सब्सक्राइब कीजिए माय डिजिटल लाइफ चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं माय डिजिटल लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ ट्रांसफ़र का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पीएफ ट्रांसफ़र ऑनलाइन भी होता है, लेकिन आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम बताएंगे कि आप ऑफलाइन डायरेक्ट ऑफिस से आप अपना पीएफ ट्रांसफ़र कैसे करा सकते हैं और कौन सा फॉर्म आपको भरना है और उसका मतलब फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो हमारा डिस्प्ले पे है ये फॉर्म 13 है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है अप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ईपीएफ अकाउंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि आपका जो मेंबर आईडी है, आपका यूएन नंबर है, वो डबल बन जाता है, ठीक है। आप कोई पिछला कंपनी में काम कर रहे होते हैं, फिर नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर से अकाउंट बना दिया जाता है। उस परिस्थिति में आप फ्रेंड्स अपना एक अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र जिस अकाउंट में आप चाहते हैं उस अकाउंट में आपका हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम फॉर्म का बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। करेंगे कि आपको कैसे ये फॉर्म फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ये जो आपकी कंपनी है वो आपकी भर देगी। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका पीएफ आईडी में आपका जो नेम है वो डाल देना है। उसके बाद आपको फादर नेम डाल देना है और आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 4 नंबर में ईपीएफ अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो आपका ईपीएफ अकाउंट नंबर है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 6 नंबर में वो ईपीएफ अकाउंट डालना है जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। अगर आपको डेट ऑफ मतलब कंपनी छोड़ने की तिथि अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पे डाल दें, और ज्वाइन करने की तिथि अगर आपको मालूम है तो आप छोड़ भी सकते हैं। आपका जो कंपनी का जो कर्मचारी है, जो भी आपका है, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट आपको डाल देना है और आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर डाल देना है, मेंबर सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब है जो आपकी कंपनी भर देगी। अगर आपको जो जो मालूम है वो आप भर सकते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, जो आपका कंपनी का नाम है, जो उसका इस्टेब्लिशमेंट नंबर है, वो सब डालना है तो ये आपकी कंपनी डाल देगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आते हैं। ये सब आपकी कंपनी, अगर आपको मालूम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक डेट डाल देना है और यहाँ पे सिग्नेचर आपके ऑफिस वाले जो आपके एम्प्लॉय है वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आते हैं तो ये सब आपका जो भी अमाउंट है वो सब खुद डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर इतना ये फॉर्म को फिलअप करके आपको जो आपका कंपनी है वहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स वो आपका ये सब जो भी खाली है वो सब फिलअप करके अच्छा से, मतलब जो स्टाम्प वगैरह है कंपनी का वो सब मार के आपका फॉर्म वेरीफाई करके फिर आपको वो दे देंगे, या आप उनके सहायता से पीएफ अपना पीएफ ऑफिस तक पहुँचवाएँ या आप खुद पीएफ ऑफिस तक इसे पहुँचा दें। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस टाइप से आप अपना जो पीएफ अमाउंट है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, जो मेरा न्यू व्यूवर्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।